अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। यकीन था हमको एक दिन ऐसा आएगा जब आप हमको खुल के स्वीकार करेंगे। अपने अंदर दहाके प्यार को नजरअंदाज नहीं करेंगे। याद है आपको जब आपकी दृष्टि लौटी थी आप हमको ही अपनी पत्नी समझ लिए थे। जानते हैं क्यों? कि हम ही आपके काबिल हैं, हम ही वो जीवन साथी हैं आप पूछ गए थे। सही कह रही हो तुम अंशनी, हिम्मत आ गई थी हमें। आज तक ना हम अपने प्यार को अपने मन में दबा कर रखे थे, लेकिन अब और नहीं दबाएंगे। अपनी चाहत को रोका हुआ था, लेकिन हम तुमसे वादा करते हैं जब से अपने मन के साथ ना ये फरेब हम कभी नहीं करेंगे। बस एक बार ये कहा राजीव जी, एक बार ये जानवी मिल जाए ना हमको, यकीन करो हमारा, हम तुम्हारा तलाक करवाएंगे। हम तुम्हारा तलाक करवाएंगे और एक हो जाएंगे कानूनन तौर पे, और उसके बाद ना ना कोई रोकेगा और ना कोई टोकेगा। हर पल हमारा होगा हंसिनी। अरे हम तो कह रहे कि अगर आज ही जानवी मिल जाए ना तो हंसिनी हम अपने सपने को आज ही अंजाम देंगे। सच राजीव जी, आपका ये अरमान जरूर पूरा होगा। हमारे और आपके बीच की अड़चन जरूर दूर होगी, जान भी लौटेगी, जरूर लौटेगी। ओ हंसिनी, हमारी हंसिनी। बेटी बचानी है कि नहीं जस साहब? 24 घंटे में अभी 10 घंटे बाकी हैं। बम किसी भी वक्त फट सकता है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को कुछ मत करना। बनो अरे राजन वर्मा, ये समय की उल्टी गिनती छोड़ो, फौरन यहाँ आ जाओ। मैं मिलवाना है तुमको किसी से जो तुम्हारे हर भय का निराकरण कर देगा। आओ आओ। मिलवाना है? अच्छा। कुछ पता चला? कुछ अजीब सा दृश्य है यहाँ पे, हर तरफ पैरा है, कैमरास लगे हैं, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं सिवाय इस सुहागरात के सेज के। आखिर राजन वर्मा क्या करने वाला है? जयंत वर्मा, राजन वर्मा ने अपने छोटे भाई को भेज दिया। राजन वर्मा का छोटा भाई, उससे भी ज्यादा कमीना और क्रूर। हमें देख के तुम दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई, माने तुम हमें जानते भी हो और पहचानते भी हो। अब ऐसे
हमारा परिचय कानून की किताबों में बहुत विस्तार से लिखा है। जयंत वर्मा, कैसे हो भाई? आज तुम्हारा बड़ा भाई राजन वर्मा। भरोसा नहीं है उन्हें तुम पे, इसलिए अब वो पीछे रहेंगे और हम आगे रहेंगे। और तुमने ये खेल का, साजिशों का, चालों का खात्मा करने आए हैं। मेरी बिटिया की जिंदगी का टाइम बॉम्ब है हमारे हाथ में। बड़े भैया के पास नहीं, वो की प्राइवेट कस्टडी हमारे पास है। तुम्हारी प्यारी जानवी को अगवा करने की गुस्ताखी हमने की है। और तारामती के केस का क्या करना है और कैसे करना है, ये अब तुम हमसे डील करोगे। ठीक है, पर तुमसे डील की जाए। तारामती की बेटी के साथ जो वारदात हुई थी, उसका एक ही गवाह था, खुद नेहा कुमार। जिसके साथ बलात्कार हुआ था वो जीवित नहीं है। तारामती हियरिंग के लिए अदालत नहीं पहुंच पाएगी और उसके वकील से हम निपट लेंगे। और अदालत हमरे बड़े भैया को खड़े खड़े हथकड़ी पहना देगी। नहीं, तुमरे बड़े भैया को नहीं, राजन वर्मा को। राम, दिखाओ भाई। पहचानो? हमारे बड़े भैया राज। ए जज साहब, मजाक कर रहे हो का हमरे साथ? अरे भाई, सबर से काम लो ना, थोड़ा सबर से काम लो। अल्लाह भाई उसको। ये कौन? राजन वर्मा। आप बकवास कर रहे हो जज साहब? तो नहीं हो रहा है। लाओ भाई, ये इनका पैन कार्ड और ये है उनका आधार कार्ड। तो हमरे बड़के भैया जैसा, लेकिन कोर्ट की नजर में राजन वर्मा है। चलो भाई, अपना इकबालिया जुर्म कबूल करो इनके सामने। हम हैं राजन वर्मा, हम ही किए हैं नेहा कुमारी का बलात्कार। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।